सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग आए बच्चे होंगे गाइस। तो आज की अपनी वीडियो है कार मार्केट की। जैसा कि आज अपन आए यहाँ पे कार मार्केट पे वीडियो बनाने, पहले मॉल को जमा लूँ, क्योंकि मैं तो वहीं आज यहाँ कार है जहाँ पे खड़ी है उधर थार के अंदर बैठा हूँ एक, क्योंकि बाहर धूप हो रही है और मोबाइल भी हीट हो जाता है, इसलिए अंदर बैठा हूँ। तो गाइस कैसे आप लोग, वेलकम टू माई न्यू वीडियो गाइस। तो आज अपन बताएंगे, आज बहुत जुनून सा हो रहा गाइस मेरे अंदर बहुत, क्योंकि आज जिस दिन से यहाँ उद्घाटन हुआ है ना, उस दिन से इतना बड़ा मार्केट बन चुका है यहाँ पे कोटा है कार बाजार में। ये अब 80 फुट से तो बड़ा ही बनेगा, देखना कोटा का सबसे बड़ा मार्केट बनेगा अभी है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अभी टोटल बता दूँ तो 500 से कम तो कारें खड़ी नहीं है। हर कार बाजार की लगभग 18-16 गाड़ियाँ हैं और यहाँ पे 250 से ज़्यादा तो दुकानें हैं यहाँ पे। तो आज अपन बताएंगे यही वीडियो। तो अपने पास आज स्विफ्ट भी है, अल्टो भी है, थार पे तो वहीं से ही मैं थार हूँ, पास में एक ब्रिजा भी है और एक उधर भी इवोन भी है साथ, क्या कहते हैं उसे, ओमनी जैसी होती है ना यार, इवोन क्या कहते हैं उसे, ऐसी मतलब है। तो वीडियो बने रहना गाइस, वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। अगर आपको इनमें से कोई चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक या एड्रेस दूंगा, यहाँ पे आके आप ले सकते हैं। और बाकी अगर कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, कॉल करके आप देख सकते हैं, और अगर आप नियर ही रहते हो तो आई जाओ यार, कॉल करके क्या देखना, वाकई में कारें अच्छी मिलती हैं यहाँ पे, सही दाम में मिलती है, तभी इतना बड़ा मार्केट लगता है। हर संडे लगता है डीसीएम में, एक मिनट से ज़्यादा हो चुकी वीडियो, वैसे मैं इतना इंट्रो देता नहीं हूँ। तो अब चलो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना गाइस। चलो पहले अपन थार पे बैठे, अंदर से दिखा देता हूँ, पहले इसकी कंडीशन देख लेते हैं अपन। तो पहले इसकी कंडीशन देखते हैं, चलो तो बैक कैमरा ऑन करता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं थार पे बैठा हूँ, वो देखो अभी अपना तिरंगा लहरा रहा है और ये पूरा कार बाजार की दुकान जो कारें खड़ी हैं उधर अपना तिरंगा लग रहा है। और बाकी कंडीशन देख सकते हैं आप थार की, शानदार है। और इसकी अगर देखी जाए तो महिंद्रा की आती है सर थार ज़्यादा शायद। और कंडीशन देखी जाए तो ये साइड वाली तो ऐसे ही विंडो है इधर अपने पास, और इसकी क्लेवेज हैंडल देख लिया जाए तो हैंडल ये इधर की साइड है, मतलब सिस्टम गियर इधर है सही, मतलब पूरी कंडीशन अच्छी है। खैर म्यूजिक सिस्टम इधर की साइड है, नीचे की साइड, बाकी सब ठीक है। और पीछे की कंडीशन देखी जाए तो पीछे से देखा जाए तो पीछे की कंडीशन भी अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हो सीट के यहाँ पे कंडीशन इधर से और इधर से, थार की साइड ऐसी होती होगी, बाकी सब अच्छा ही थार में। और अब अपन उतर के देखते हैं इसका असली लुक क्या है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, ये अपने पास है पूरा इधर से सिस्टम। अब इसको बंद करते हैं, अब देखते हैं गाइस, ये है अपने पास थार। यहाँ पे टायर की कंडीशन अच्छी है यहाँ पे, इसको बस धोना है, बाकी नहीं है, बाकी अच्छे है टायर, क्योंकि लकीरें देखो दिख रही हैं, मतलब टायर की कंडीशन अच्छी है। 4x4 है जैसा कि आप देख रहे हो, 4x4 है। और ये अपने पास थार भी है, बाकी सबूत मैंने दे ही दिया आपको। अब आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा है यहाँ से, शानदार थार का, अच्छी थार है, शाइन भी है, कंडीशन भी अच्छी है, फाइनेंस भी होगा, एमपी की है गाइस, यहाँ पे एमपी की और यहाँ पे सेल है, अच्छी गाड़ी है और लग भी शानदार है ब्लैक कलर में। और इसका ये देख ही रहे हो आप, ये उतरता है जो एक नंबर लगते है, फिर तो ये थार 4x4 की थोड़ी जमती भी है, बाकी अच्छी गाड़ी है जैसा कि आप देख रहे हो। ये अपने पास यहाँ पे स्पीकर देखो थार के दे रखे हैं, जो थोड़ा इधर जूम में जाके देखी जाए तो देखो अच्छी गाड़ी है महिंद्रा थार। महिंद्रा का वैसे लोगो चेंज हो चुका है जैसा मुझे याद है, थार अपने पास ऐसे ही अच्छी गाड़ी है, बाकी देख रहे हो कंडीशन इसकी अच्छी है, पीछे से देखा जाए तो बैकग्राउंड भी इसका अच्छा है काफ़ी, टायर की कंडीशन अच्छी है, फर्स्ट पार्टी गाड़ी है और पेट्रोल से होगी शायद, हाँ बाकी मैं ही पूछ ले रहा हूँ। तो गाइस मैंने पूछ लिया, ये डीजल वाली गाड़ी है जैसा कि अपने, डीजल से है और 14 मॉडल है और 7.5 लाख रुपए इसकी प्राइस है, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं बड़े यहाँ पे आके, 7.5 लाख रुपए इसकी प्राइस है, 14 मॉडल है अपने पास थार, अच्छी गाड़ी है बढ़िया, ट्यू मजाक नहीं अभी सीरियस। तो अब अपन नेक्स्ट इधर बढ़ते हैं फिर उधर तो लाइन पे चल जाएंगे। तो इधर अपन देखते हैं ब्लैक कलर में सुजुकी, बाकी अच्छी है भी ब्लैक कलर में, बढ़िया बड़ी बड़ी चौड़ी सी लग रही है, टायर कंडीशन इसकी अच्छी है काफ़ी। मारुति सुजुकी ब्रिजा, अच्छा विटारा की ब्रिजा वो भी बीडीआई है, लाइट पीछे की शानदार है इसकी, बाकी आगे का सब शानदार है इसका भी, अच्छी गाड़ी है।
इतना बड़ा एंटीना, उसके ऊपर भी तीतर बैठा है। और टायर कंडीशन अच्छी है, बाकी ये आप देख ही सकते हो अगर आप जानते हो तो, DDIS टायर कंडीशन अच्छी है, फर्स्ट पार्टी गाड़ी टायर कंडीशन अच्छी है। अरे मैं पता नहीं क्या हो गया मेरे को आजकल, टायर कंडीशन अच्छी है, फर्स्ट पार्टी गाड़ी है, डीजल या पेट्रोल की होगी अभी अपन पूछ के बताएंगे इसका भी। हाँ तो गाइस ये डीजल है और ये 17 मॉडल है, 8 लाख रुपये, 17 मॉडल 8 लाख रुपये इसकी प्राइस है, जैसा कि आप देख रहे हैं अच्छी गाड़ी है। बाकी अभी अपन अंदर से भी दिखाते हैं इसको पूरा, अंदर जाते हैं अब। और अरे तेरी की तो कितनी गर्मी है गाइस, अंदर आते तो बहुत भयंकर गर्मी लगी। बाकी आप देख सकते हैं ये इधर अपने पास पावर विंडो है, पावर विंडो, बोतल पानी पीने के लिए, दारू भी हो सकती है। बाकी देख सकते हैं शानदार गाड़ी है, ये डिग्गा डिग्गी चम्मच रख रखा है। म्यूजिक सिस्टम मेरा, कंट्रोल सिस्टम मेरा, मतलब हैंडल हैंडल, और ये सीट की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। गियर येरा 1 2 3 4 5 6 रिजर, मतलब आती नहीं ना गाइस, इसलिए कोई बात नहीं, सीखेंगे अपन भी सीखेंगे कार, अच्छी कंडीशन है। बाकी आपने देख ही ली, अरे ये भी तो देखोगे ना कितनी चली है गाड़ी, चलो वो भी दिखाता हूँ, पहले पीछे से कंडीशन देख लो, अच्छी है गाइस। बाकी कार आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने चला रहे गाने, इधर भी अपने पास सारा सिस्टम दे रखा है, कंट्रोल रूम अपने पास यही से यहाँ पे। और अरे यार इसको तो वहाँ से ओपन करा, कोई बात नहीं गाइस, इसकी डिक्की कहाँ है। बाकी अच्छी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, सीट की कंडीशन पर भाई ऐसे ही अच्छी। बाकी आप देख सकते हैं ये क्या है, इससे क्या होता है गाइस आप बताना मुझे, सीट के पास है ये भाई, सारे सिस्टम अच्छे हैं। प्राइस मैंने इसकी बताई थी आपको, 17 मॉडल है, प्राइस मैंने आपको बताई थी 17 मॉडल है, कितनी थी प्राइस यार भूल गया, पीछे करके देख लेना थोड़ी वीडियो, ठीक है ना। बाकी अच्छी गाड़ी है, डिग्गी बाकी ये डिग्गी खोल दी मैंने, स्पेस काफ़ी अच्छा है इसके अंदर यार। ये इसके नीचे टायर और टूल वूल दे रखे हैं, इसमें कुछ सीमेंट वीमेंट करवाया है खुद देखो, बाकी अच्छी स्पेस अच्छा है इसका भी। बंद कर देते हैं आप इसको भी, अपन ने कंप्लीट करवा दिया, दो गाड़ी अपने पास कंप्लीट है, थार हो रही है रीजा। अब बढ़ते हैं अपन, अल्टो है शायद ये तो, वाइट कलर में एक नंबर गाड़ी, वाइट कलर की तो जस्ती भी है कुछ भी को। मारुति सुजुकी अल्टो 800 LXi, मारुति सुजुकी अल्टो 800 LXi RJ14 मतलब जयपुर की गाड़ी है ये। कंडीशन अच्छी है, टायर कंडीशन देख सकते हैं आप कितनी शानदार है। ये भी 13 मॉडल है, गाइस भैया आके बता के चले गए, 13 मॉडल है, 245 है, 13 मॉडल है, 245,000 है गाइस। एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना, भूल गया तो मिरर का यहाँ पे अच्छी है गाइस। अल्टो 800 भी शानदार, इसकी सीट की कंडीशन भी देखो काफ़ी रेयर है, गियर भी सही गियर तो होंगे ना यार। बाकी ये क्या पाँव दर रखा है, कोई बात नहीं गाइस, अपन तो कंडीशन देख रहे हैं, बाकी अच्छी कंडीशन है, बाकी कुछ टूटा टाटा नहीं है, सब बढ़िया है इसका भी। और इसकी अगर देखी जाए तो अच्छी है गाड़ी, तो काफ़ी अच्छी है। नीचे इधर सिस्टम है ऐसे ही, कुछ भी नीचे इधर बिछा रखा है, कुछ भी टूटा टाटा नहीं है इसमें कार में, अच्छी कार है पूरी की पूरी। 13 मॉडल मैंने बताया था, 245,000 है, पीछे की सीट की कंडीशन भी काफ़ी बेहतर है, अच्छी कंडीशन है। इसमें सीट वो वाली नहीं है क्योंकि अल्टो है, अल्टो में शायद बहुत कम आती होगी वो वाली सीट की कंडीशन। पावर विंडो बाकी यहाँ से ये करिए, अपन ने पीछे खोल दिया, अब अपने पास पीछे आ जाएगी, स्पेस देख सकते हैं आप गाइस, अच्छा है स्पेस इसका। ये अपने पास टूल रखे हैं अभी, इसके पास टूल है ऐसे इनके, और देखा जाए टायर की तो कितनी नई की नई है, मतलब गाड़ी एकदम अभी भी नई की जैसी रख रखी है पूरी, अच्छी गाड़ी है। प्राइस भी मैंने बता दिया आपको, मैंने इसको आपको LXi की है ये। और अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अपने पास आती है, कौन सी आती है, अब अपने पास ये सुजुकी की तरफ से RJ28, मेरे को नहीं पता RJ28 कहाँ का है, DDIS लिख रखा है, मारुति सुजुकी VDI स्विफ्ट, स्विफ्ट का ऐसा आती है,
तो इसकी अब अपन देखते हैं पूरी कैसी है कंडीशन। तो ये फर्स्ट पार्टी है, कौन सी है? सेकंड पार्टी गाड़ी है, सेकंड पार्टी गाड़ी है ये, 12 मॉडल। सेकंड पार्टी गाड़ी है 12 मॉडल। 12 मॉडल है। कंडीशन देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर LPG CNG है क्या? डीजल 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 वाली है। अच्छा, डीजल से चलती है, बाकी ओके कंडीशन है इसकी भी, पूरी शानदार है। अगर आपको दिख सकती, क्योंकि क्या ऑटोमेटिक लोगे और मालिक जा चुका है अभी यहाँ से 2 मिनट कहीं पे, तो बाकी देख सकते हैं आप इसकी। अरे इसकी प्राइस कितनी थी? 4.25 लाख रुपए का ऐसी है। 12 मॉडल स्विफ्ट है, 4.25 लाख रुपये। अपन ने इतनी गाड़ियों का बता दिया टोटल, और अब अपन आराम से चल के बैठ के फिर अपन वीडियो का एंड करते हैं। इसकी हिम्मत करना। बाकी अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पूरी वीडियो में कारें बता दी हैं, थार बताई, ब्रीजा बताई, स्विफ्ट बताई, अल्टो बताई, जैसा मैंने बोला था वो सब बताया मैंने। तो अब कुछ नहीं करना, आपको गाड़ी लेनी है और नहीं लेनी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो जल्दी से कर दो गाइस। आ रहा होगा एक नीचे लाल, उसको दबा के ब्लैक कर दो, और लाइक का आ रहा होगा उसको दबा के ब्लू कर दो, आसान रहेगा आपका। तो गाइस मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टाटा बाय।